हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करेंगे, जो कि है एपोमिक्सिस। एक्चुअली आज के टॉपिक में कुछ टर्म्स ही हैं जो हमने डिस्क्राइब करनी है, उनकी डेफिनेशंस हैं। बहुत ही इजी है, इजीली आपको समझ आएगा। हाँ जी, तो एपोमिक्सिस क्या है? सबसे पहले तो जो एपोमिक्सिस की जो मिक्सिस की जो टर्म है वो एक हैंस विंकलर, एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी एपोमिक्सिस की। दैट इज़ नॉट मैंशन इन योर बुक, तो आप सभी ने या तो अपनी बुक के जो टॉपिक है उसके साथ ही लिख लो या नोट्स में ऐसे लिखो ताकि आपको याद रहे। उसके बाद एपोमिक्सिस में इन्होंने क्या कहा कि जो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको रिप्लेसमेंट कर दिया किससे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, दैट मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या बोला, एज रिप्लेसमेंट ऑफ द नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पहले सबसे पहले तो फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की, गैमेट्स बनेंगे स्पर्म और एग। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, एग्जाम्पल लें ह्यूमंस का, वैसे हम यहाँ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो उसमें क्या होता है, ह्यूमंस में अगर हम जैसे एग और स्पर्म जो है वो बनते हैं ना, वो गैमेट्स हैं, फिर उनका फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होती है पूरी प्रोसेस। उसी तरह से प्लांट्स में भी क्या है, पॉलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, और ओवरी की डेवलपमेंट होती है। तो इसमें क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है उसमें बिना फर्टिलाइजेशन की होगी, ओके। और एम्ब्रियो जो है वो बनेगी विद इन द सीड कोट, जो सीड कोट प्रेजेंट है उसके अंदर ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी, या फॉर्मेशन और फ्यूज़न जो है गैमेट्स का नहीं होगा। कई बार ये टर्म जो है एक मार्क्स में, दो मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो सब ने ध्यान रखना है कि एपोमिक्सिस क्या है। ए सेक्शुअल, हम से ये भी कह सकते हैं कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें होता क्या है, विदाउट द फर्टिलाइजेशन जो है वो फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन फिर होगी कहाँ, अगर फॉर्मेशन और फ्यूज़न ही नहीं होगी गैमेट्स की, अगर फॉर्मेशन ही नहीं होगी गैमेट्स की तो कहाँ होगी, विद इन द सीड कोट। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एम्फीमिक्सिस। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एपोमिक्सिस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और जो एम्फीमिक्सिस है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, उसी को हम एम्फीमिक्सिस बोला है और बोलते भी हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सभी को पता ही है, रिप्रोडक्शन जिसमें कि क्या होता है, यूनियन और फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा, फिर आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, आगे के जो इवेंट्स हैं वो कंप्लीट होंगे, तो दैट इज़ द एम्फीमिक्सिस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एपोमिक्सिस है इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जो एपोमिक्सिस है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है, पर वो क्या करती है, मिमिक का मतलब क्या होता है, इसे पढ़ा ना अपने, मिमिक्री की, दिखावा करना है, उसकी तरह बनने की कोशिश करना, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि वो उसकी नकल करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, पर वो है क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही फॉर्म है। उसके बाद है गैमोस्पर्मी। गैमोस्पर्मी में क्या होता है, ये भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, और होता कैसे है, विद सिनगैमी। सिनगैमी क्या है, आई होप सभी को पता ही है, फ्यूजन होता है गैमेट्स का। तो उसके बाद हम करेंगे इसके टाइप्स। आपकी बुक्स में जो है एक एमोस्पर्मी की बहुत सारी टाइप्स जो हैं वो दी हुई हैं, आई थिंक 6 या 7 टाइप्स दी हैं, पर जो इसकी ट्रू टाइप्स हैं वो 3 ही हैं। एक है एडवेंटिव एम्ब्रियोनिंग, और सेकंड है रिकरेंट एपोमिक्सिस, एंड थर्ड जो है वो है नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। तो जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनिंग है इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक या एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनती है, और बनेगी कैसे, फ्रॉम अ डिप्लॉयड सेल। जो डिप्लॉयड सेल है न्यूक्लियस का या इंटेग्यूमेंट का, उसमें से एम्ब्रियो बनेगी, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनेगी, पर कभी भी एग से वो नहीं बनती। इसका एग्जांपल है सिट्रस और मैंगो। सिट्रस आपने देखा है, नींबू आप जैसे बीच में से हम काटते हैं, उसमें कितनी सारी एम्ब्रियो जैसे बनी होती है ना, जिसमें से हम जूस निकालते हैं,
उसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। सेकंड जो है वो है रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें क्या होता है, जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो होती है उसका जो सैक है वो कहाँ बनेगा, कहाँ से बनेगा, विच हैज़ डिप्लॉयड एग ऑफ ऊस्पोर से। पहले वाले में एग से नहीं बन रहा था और इसमें बन रहा है। थर्ड जो है वो है नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, कहाँ से होती है, फ्रॉम हैप्लॉयड फीमेल गैमेट, जो फीमेल गैमेट है वहाँ से होगी विदाउट द फर्टिलाइजेशन। ये जो प्रोसेस है इसे हम पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं। पार्थेनोजेनेसिस में भी यही था ना बेटा, कि मेल या फीमेल जो गैमेट है उससे ही पूरी डेवलपमेंट हो रही थी एम्ब्रियो की, उसे हम बोल रहे थे, मतलब फ्यूज़न जो नहीं है वो फॉर्मेशन हो रही थी गैमेट्स की लेकिन फ्यूज़न नहीं हो रही थी। इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस जो है वो पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं और उसी को हम नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी भी बोलते हैं। बाकी जो इसकी टाइप्स ही हुई हैं वो हम एज अ डेफिनेशंस करेंगे कल के लेक्चर में, लेकिन आपने यहाँ ध्यान रखना है कि जो एगेमोस्पर्मी की जो ट्रू टाइप्स हैं वो तीन ही हैं, जो आगे दिया है ना, आगे आपके उसमें पार्थेनोजेनेसिस आप ऑलरेडी कर चुके हो, पार्थेनोकार्पी, एस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, ये चार हैं, वो हम कल के लेक्चर में आराम से डिस्कस करेंगे। आपने आज इतना ही करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।